का गर्ल्स लोग एक और जो ये बीक होता है ना गुस्सा, आजकल की लड़कियां ना बड़ी बिखिया जाती हैं, ऐसे देखेंगे ऐसे करते हैं, बताइए भगवान अगर कहीं अनचाही रह के छोड़ दिया तो दिक्कतें हो जाएगा, तो ऐसा बीक मत किया कीजिए। जिंदगी में जो इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लिया ना कि हमको क्या बोलना है और गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया ना, पूरी दुनिया को जीत सकता है। कभी भी शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। शब्द का इस्तेमाल भोजन की तरह होता है, जिस तरह से भोजन परोसने से पहले चख लेते हैं, वैसे आप लोग भी किसी से बिहेव करने से पहले एक बार उसको चख लिया कीजिए कि ये शब्द मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं। एक बार क्या था कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, लड़कियां लेट हो जाती, जो लड़कियां देख रही हैं उनको पता होगा, अगर लड़की गलती से भी क्लास में लेट आई है तो उसको बहुत बोलते थे हम। लेकिन मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता था, सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा क्लास रहता था उसमें हम खुद ही 15-20-25 मिनट लेट हो जाते थे हम, क्योंकि सैटरडे वाले क्लास 3-4 घंटा चलता था, तो हम भी थोड़ा सा लेट हो जाते थे। कोई लड़की बोलती नहीं थी। एक दिन एक लड़की बोली कि सर बताइए ना, हम लोग 10 मिनट लेट कर देते हैं, 5 मिनट लेट करते हैं, तो आप इतना बोलते हैं, आज आप इतना लेट आए हैं, लेकिन क्या करें, आपको तो बोलने वाला कोई है नहीं है। इनडायरेक्टली वो लड़की हमको बोलना ही चाहती थी कि आप क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वही कहती कि हम लेट आते हैं तो बोलते हैं, आप लेट आएंगे तो कोई नहीं बोलेगा, क्या है, बात तो सेम है। लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से बोली ना कि हमको खुद ही रियलाइज़ हो गया, हम कहें कि तू हमको सिखा रही है, हंसी मजाक में ख़त्म हो गया यह चीज़ को। तो ये अगर आपको बोलने का तरीका आ गया ना, तो आप किसी को डांट भी दीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि चाचा हमको डांट रहा था, रियली में तो हमको डांटिए रही थी वो, लेकिन कितना घुमा के डांटी। तो गुस्सा पे कंट्रोल कीजिएगा। आप दुनिया में कभी किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, और आप कितने बुलंदी पे चले जाएंगे ना, लोग आपको गाली देने वाले मिलेंगे ही। आप राष्ट्रपति से लेकर देखिए, आप नरेंद्र मोदी से तो बड़े नहीं ना हैं प्रधानमंत्री, उनको भी आपको देखिएगा गाली देने वाले मिलेंगे सब आपको। हम अपना एग्जांपल देते हैं, हम इतना मेहनत से चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, इतना बेहतरीन ढंग से आपको बता देते हैं कोई भी चीज को। अभी क्या किया, एक लड़का कमेंट किए, देखिए इनका कमेंट देखिए, हम जानबूझ के आपके सामने लाए, लिखे कि साले पैसे की फंडिंग करके तू पाकिस्तान को ट्रांसफर करेगा। आप जरा देखिए, ई भाई साहब को मेरे लिए कुछ नहीं पता है, पटना में आज भी अगर किसी को ब्लड घट जाता है तो मेरे पास आता है, अनाथ बच्चों को हमारे पास भेज दिया जाता है, ये सब ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये अपनी मेंटेलिटी दर्शा रहे हैं यहाँ पर। अब एक नॉर्मल आदमी क्या रहेगा, या तो इसको भी गाली देगा या तो इसको ब्लॉक कर देगा। हम ना इसको गाली दिए ना इसे ब्लॉक कर दिए, इनको आराम से जवाब दिए कि भगवान ना करे बट लाइफ में आपको कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बोलिएगा, आई एम इंडियन मुस्लिम, मुझे आपसे देशभक्ति की कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप बताइए, आप 100% कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज़ में कमियां निकालें। आप ताजमहल घूमने जाइएगा, वहां भी ताजमहल की लोग कमियां निकालेंगे, और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है, वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं। और इस तरह के घटिया लोग 1-2% है, बाकी 98% लोग अच्छे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो 98% लोग शांति से रहते हैं और यही तो खचरई करते हैं, ये दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है। नहीं बाबू, ऐसे लोग 2% है और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो ये हम हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे, हर रिलीजन्स में ऐसे मिलेंगे। तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए। जिस दिन आपको अपनी बुराई सहने की आदत हो जाए, आपको तकलीफ सुनने की आदत हो जाए, जिस दिन आपको कोई गाली दे और आपको गुस्सा ना आ जाए, याद रखिएगा उस दिन आप बड़े हो गए। उस दिन समझ जाइएगा कि हाँ हम बड़े हो गए अब नहीं, वरना ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंछ आ गए आप बड़े हो गए तो इससे बड़ा कहा जाता है। इंसान मेंटली बड़ा होता है। आपको पता है, ये भाई साहब मेरा फिर से रिप्लाई किए थे कि सॉरी सर हम आपके बारे में बोल दिए, लेकिन अगर हम इसे गाली देते तो ये फिर पलट के गाली देता, क्योंकि शुरुआत में ही गाली दिया हुआ था। तो सत्य और अहिंसा का मार्ग आज भी जिंदा है, केवल अपने जुबान पे आप कंट्रोल रखें।